हेलो एवरीवन, मैं निशिता स्वागत करती हूँ आपका 70 टेक में। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लेटेस्ट टेक न्यूज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की फर्स्ट न्यूज़ एमरिन की तरफ से आ रही है। एमरिन ने वॉइस असिस्टेंट वाला स्मार्ट प्लग 899 रुपये में लॉन्च कर दिया है। इस प्लग को आप सिर्फ वॉइस की मदद से ऑन और ऑफ कर सकते हो। ये स्मार्ट प्लग गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा और IFTTT को सपोर्ट करते हैं। ये आपको वाइट कलर ऑप्शन में ही मिलेंगे। अगली न्यूज़ एक ऐप की तरफ से आ रही है जिसका नाम है फोटो लैब। ये अभी बहुत पॉपुलर हो चुका है। इसके ज़रिए आप अपनी शक्ल को कार्टून में बदल सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ आप बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। और ये ऐप एंड्रॉयड पर 40 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स क्रॉस कर चुका है। आप इसको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ गूगल की तरफ से आ रही है। और गूगल ने गूगल फोटो ऐप पर बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए हैं। इसमें मेमोरी सेक्शन में अब ऑटोमेटिक क्रिएशन भी शामिल होगा। फॉर यू सेक्शन को भी अब रिमूव कर दिया गया है और अब गूगल फोटोज़ को पिनव्हील आकार का एक नया लोगो मिलेगा। अगली खबर YouTube की तरफ से आ रही है। जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता है कि YouTube बहुत टाइम से एक TikTok जैसी एप्लीकेशन पे काम कर रहा है जिसका नाम है Shorts। अब इस ऐप की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। Shorts में यूज़र्स 15 से 60 सेकंड तक के वीडियोस बना सकते हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ कि ये कब कंप्लीट होकर आता है और YouTube इसमें क्या नए फीचर्स ऐड करता है और क्या इसमें मोनेटाइजेशन का ऑप्शन होगा। अगर Shorts में मोनेटाइजेशन का ऑप्शन होता है तो ये ऐप TikTok के लिए बड़ी चुनौती देगा। इसके अलावा ये भी खबर आ रही है कि फेसबुक में शॉर्ट वीडियोस के लिए जल्द ही कोई ऐप आ सकता है। अगली न्यूज़ व्हाट्सएप की तरफ से आ रही है और ये अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो व्हाट्सएप का एक पुराना फीचर मिस कर रहे थे, क्योंकि व्हाट्सएप अब उसको वापस लेकर आ गया है। कुछ टाइम पहले ही व्हाट्सएप ने मैसेज रूम में शॉर्टकट ऐड किया था जिसकी वजह से कैमरा शॉर्टकट हटाना पड़ा था, लेकिन अब व्हाट्सएप उस फीचर को वापस लेकर आ गया है। आज की लास्ट न्यूज़ ट्राई की तरफ से आ रही है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ट्राई ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्राई सिलेक्टर ऐप। अब इस ऐप की मदद से आपको TV सब्सक्राइब करना और भी आसान हो चुका है। अब आपको अलग अलग DTH ऑपरेटर्स के ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस ऐप पर अपने DTH पर चैनल्स ऐड और रिमूव कर सकते हैं और सबसे सस्ते प्राइस पर जो चैनल्स देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी वीडियोस रोज़ देखनी है तो। हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।